नमस्कार, मैं प्रदीप संधू। अभी हम लोग हैं खटखट टोल पर और आप लोग द लोकला एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ हैं प्रधान जी, जो कंडेला खाप के प्रधान हैं, ओम प्रकाश जी, और इनके साथ और भी गणमान्य व्यक्ति हैं। हम लोग बातचीत करेंगे। मनोहरलाल खट्टर जी का जो प्रोग्राम था कैथल के अंदर, वो रद्द हो गया है। उनकी ऑफिशियल वीडियो आई है, वो बोल रहे हैं जिस वीडियो में, वे मैं उस प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा और उसकी जगह विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो पहुंचेंगे। तो आइए उन्हीं उसी प्रोग्राम को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम। जो ये कार्यक्रम रद्द किया है कैथल के अंदर, इसको लेकर क्या कहोगे आप? किसानों का दबाव था, इसको लेकर किसानों का दबाव था। जैसे यूपी में भाजपा की बदपटी है, इसी प्रकार हरियाणा में पिछली, अगर ये प्रोग्राम होता तो, और आगे भी करके देख लेना खट्टर, हर जगह यही हाल होगा भाजपा का जी। और वो जो लठवाड़ा बयान था, वो भी वापिस लिया है, बोल रहे भाई मुझसे गलती से निकल गया, मैं वापिस ले हूँ। उसके बाद विरोध हो हरियाणा में। लठवाड़ा बयान इसने दिया, मैंने उसी दिन सेक्रेटरीट में कह दिया कि खट्टर माफी मांगे किसानों से, मैंने उसी दिन बोल दिया था, आज माफी मांगनी पड़ी जी। प्रधान जी, जैसे पिछले 10 महीने से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और जो किसान है लगातार विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी ये लगातार क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं? ये देखो, किसानों का ये तंग करना चाह रहे थे, लेकिन किसान तंग नहीं होता। किसान तो अपने खेत में बहुत खून पिसने कमाई करता है, लेकिन ये इसमें यहाँ तंग कैसे होगा किसान जी? किसान तो ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे 10 साल चलो, इतने तीनों कानून वापिस नहीं होते, इतने किसान वापिस नहीं हटेगा जी। और प्रधान जी, आप क्या कहोगे, जो लठवाड़ा बयान है वापिस ले लिया है इसने, जो लठवाड़ा बयान दिया वापिस ले लिया इसने, लोगों की भावना को देखते हुए कैंसिल प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, प्रोग्राम कैंसिल कराया ही, उसके साथ में इसने माफ़ी मांगनी पड़ी। और जो ये कह रहे हैं आगे, मतलब मैं उसका यह होगा न्यू कर देंगे, ये जो भाईचारा बिगाड़ने की बात, ये बार बार आ रहे हैं, नहीं भाईचारा तोड़ने की बात करें ना कि किसी का भला करने की बात, ये तो लोगों ने दिखाना चाहूँ, मतलब सिस्टम का भाव बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया, इस रौला नहीं, इस पर मुद्दा ना उठे, इलेक्शन नज़दीक आवे हैं, यूपी का इलेक्शन है, इसका मुद्दा ना उठाओ लोग, इस करके इस भाईचारे को मतलब यही प्रॉब्लम रह जाओ लोग जी। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो बैकफुट पे तो है, बयान भी वापस ले लिया और जो कार्यक्रम था वो भी रद्द करना पड़े। रद्द तो यहाँ का सारे काम करेंगे, ये रद्द भी करेंगे, ये न्यूज आवे हैं जहाँ ड्रिज दिए, दबाए दिए, लाठी मारा, जो करोड़ मानस मार दिए, इनकी बेरा पिट गया, कितने मारे लो लोग, किसान तो इन बात ठान दे नहीं, कितने मारे लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी ये करते रहोगे इतना मजबूत आंदोलन चलता रहूगा। देखो जी, पिछले 10 महीने तो हो गए हैं, कितना और लंबा चलेगा? कितना लंबा तो जब तक ये नहीं बयान देने, कितना चला लो, 10 साल चलाओ, 5 साल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम भी करते रहेंगे और अपना जो प्रदर्शन है वो भी करते रहेंगे। देखो, जो यूपी में अभी चुनाव होने वाला है 1 फरवरी में, उससे पहले बोल रहे हैं MSP तो लिखित में, देश की सरकार खबरें चल रही है, ये लिखित में सारा अहदा देंगे, इसी से नहीं उल्टे भी ले होंगे, ये जो देखे यूपी में कोई बात हो, जो बंगाल में होया, सारे होगा निकल रहा है, ये भी फार्म भरा था कल बीजेपी के वर्कर ने, तो उसका भी खूब विरोध हुआ है, ये जाने के लायक ही नहीं बचेंगे और करेंगे के भी ना लो, अपना आप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जी। देखो भाई, ये हमारे साथ है ओम प्रकाश जी थे, कंडेला खाप के प्रधान। तो दोस्तों, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो कैथल के अंदर कार्यक्रम था मनोहरलाल खट्टर जी का, वो रद्द हो गया, उसकी जगह ज्ञानचंद गुप्ता जी शिरकत करेंगे कार्यक्रम में, और वो लठवाड़ा बयान भी उन्होंने वापस ले लिया। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।